हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिशनल मॉम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे आज की वीडियो में मैं आपको मरुआ की चटनी बनाना बता रही हूँ। इसके गुणों के बारे में तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है, पांच गुणकारी प्लांट्स वाले वीडियो में। तो आज इसकी चटनी हम कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसकी चटनी खाने में बहुत स्वादिष्ट तो होती ही है, साथ ही हमारे पेट के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने 1 कप लगभग ये मरवे के पत्ते लिए हैं। 2 बड़े चम्मच हम दही लेंगे इसके लिए। जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 इंच लगभग अदरक लेंगे, 1 बड़ा नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम अपने मरवे के पत्तों को अपने जार में डाल देते हैं। अब हम इसमें एक एक करके अपनी बाकी सब चीजें ऐड करेंगे। ये जीरा पाउडर, हरी मिर्च हम डाल देते हैं, अदरक, नमक स्वाद अनुसार, और अब हम इसमें दही डाल देते हैं। दही से इसका एक बहुत सुंदर सा कलर, एक अच्छा सा स्वाद आता है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। और अब हम इसको पीस लेते हैं। हमारी चटनी पीस गई है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है और कितना सुंदर सा कलर और इसका टेक्सचर आया है। ये देखिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, स्नैक्स के साथ या फिर दाल के साथ, जैसे चाहें आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट और गुणकारी होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कुकिंग से रिलेटेड मेरी कुछ वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही अवेलेबल हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लें। थैंक यू।